यस यस है मयंक भाई, आदत हो गई हमारी, अब आओ जीतो। जब जाते हैं 5 रुपए जीत के जाते हैं इस बार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि इतने टाइम से हम प्रैक्टिस कर रहे थे फैशन शो के लिए डीबीएस में जो इवेंट होने वाला है उसके लिए, तो आज फाइनली 10 अप्रैल है और आज डीबीएस में फैशन शो होने वाला है। बाय द वे पीछे मैंने जर्सी लगा दिया आरसीबी की, जो कि कल मैं आ गई थी, कल मेरी आरसीबी की जर्सी फाइनली। बाकी आज हमारा फैशन शो है तो उसके लिए हमें फाइनल प्रिपरेशन करनी है, और फाइनल प्रिपरेशन में टीम की प्रिपरेशन तो 2 बजे शुरू होगी। उससे पहले मुझे अपनी प्रिपरेशन, जैसे कि मेरी ग्रूमिंग एंड ऑल, जो है मेरी अपर लिप्स टाइप की मुझे आती है, और हेयर वॉश, ये सब चीजें करनी है। और मतलब बीइंग अ मॉडल, तुम भी अगर कभी फैशन इवेंट में जा रहे हो तो तुम्हें भी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा फैशन शो से पहले। तो ग्रूमिंग मैंने कर दी अपनी, देख सकते हो, और नहा भी लिया, हेयर वॉश कर लिया मैंने, हेयर सूखने की बात सही लगेंगे मेरे। बाकी कपड़े मैंने सब डिसाइड कर लिया, ये मेरे कपड़े होने वाले जो मैं पहनूंगा, वो एसेसरीज होंगी, एसेसरीज का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। साथ ही साथ मैं एक घड़ी लेके जा रहा हूँ ये वाली, और इसके अलावा मेरे पास एक हैंड वॉच है, और साइड बैग मैंने रख लिया है। बाकी ये मेरी सारी ड्रेस है जो भी अभी की होने वाली है फैशन इवेंट के लिए, तो इसको मैं पैक कर दूंगा, ये हम वहीं पहनेंगे डीबीएस में जाके। और अभी फिलहाल मैं नॉर्मल कपड़ों में निकलूंगा कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में मेरे फाइनल प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे डीबीएस। तो पहुंच चुके हम कॉलेज फाइनल डे के लिए, और अभी हम एक बार फाइनल प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद निकल जाएंगे। और बाय द वे आवर कोरियोग्राफर लीडर इज, यस यस यू कैन, नहीं आप नहीं बोला। और बाय द वे आवर कोरियोग्राफर अभी तक नहीं आए हैं, लेट हो गए हैं भाई। मैं इस तरह से करते था, 2 बजे आना, चोरी हो रहा है। अब इंतजार करेंगे हम सब बच्चों का आने का, तब तक तो निकलने का टाइम हो जाएगा। अभी हमने फाइनल डे की प्रैक्टिस शुरू, और आज फाइनल डे, फाइनल प्रैक्टिस होगी। तिलोक भाई भी हमारे साथ, कपड़े हो गए तुझे, कपड़े भी जुगाड़ कर दिए, एक्स्ट्रा हो गए, एक्स्ट्रा किस मांगे, किस मांगे, दोस्तों से मांगे, सब दोस्तों ने दे दिए, जुगाड़बाजी। तो फाइनल प्रैक्टिस हो चुकी है, अब हम सब जा रहे हैं अपने रूम में, हम जाएंगे मैजिक विक्रम मेहरबा की, हमारे रिचुअल हर बारी की तरह, और ग्राफिक की टीम आती है विक्रम मैजिक में। अब सब लोग अपना तैयार व्यार होंगे, और जो भी लड़कियों का खास करके मेकअप करना होता है, क्योंकि लड़कियों को बहुत ज्यादा, लड़कों का तो मुंह धोके चल जाता है, लड़कियों को थोड़ा ज्यादा मेकअप करना होता है, मुंह धोया उसी साबुन से, सर भी धोया उसी साबुन से, धोया वो भी धोया। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं, चमक चमक आती है चेहरे पे, ऐसी चमक आती है, सो के आ गया हूं मैं, फिर भी मेरा मुंह बहुत कड़ा लग रहा है, सनटैन हो रहा है, ये वही साबुन का असर है। कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस हमारी पूरी हो चुकी है, और लड़कियां अभी जाके चले गई हैं अपना मेकअप करने, टचअप ये सब करने, लड़कियों को थोड़ा टाइम लगता है, हम लड़के तो वहीं डीबीएस में थोड़ा बहुत कर लेंगे, बाकी मुंह धोके तो अच्छे हम लगते ही हैं। बाकी फिलहाल मैं रूम पे आ गया हूँ, अपना बैग और प्रियांशु का बैग लेके मैं निकलता हूँ, हम सब दोस्त लोग साथ में बैठे हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे डीबीएस के लिए 15-20 मिनट में। इतने बड़े इवेंट्स के लिए जा रहे हैं हम, इतना बड़ा शो होने वाला है हमारा, ऐसा तो होगा नहीं कि हम गन्नू भाई का आशीर्वाद लिए बिना निकले, ले लिया है गन्नू भाई का आशीर्वाद, अब निकलते हैं डीबीएस के लिए। तो पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम सबका इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे हम निकल जाएंगे मैजिक बुक करके सीधे डीबीएस को, हम मैजिक बुक करके जा रहे हैं, प्रियांशु और बलोदी स्कूटी से जाएंगे, क्योंकि प्रियांशु अपना गिटार लाना भूल गया, स्कूटी तो स्कूटी में जा रहे हो, स्कूटी पैदल है वहाँ से हम, तो क्योंकि प्रियांशु और बलोदी स्कूटी में ऐसे जा रहे हैं, प्रियांशु अपना प्रॉप जो गिटार ले रहा था वो घर ही भूल गया, तो वो लेते हैं वहाँ से सीधे डीबीएस में मिलेगा हमें, हम लोग यहाँ से जाएंगे मैजिक में, और डीबीएस में हम लोग इनको मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। क्यों भाई का बर्थडे, भाई का बर्थडे, बर्थडे तो एक और भाई का बर्थडे, कब तक भाई का बर्थडे जा चुका है, मेरा भी जा चुका है, पकड़ लिया नहीं पकड़ पाएगा तू, करो करो ला मैं करता हूँ, इधर पकड़, वीडियो इधर देखो। तो एज ऑलवेज टीम ग्राफिक एरा फ्रॉम मैजिक, हमारा रिचुअल रहा है हर बार, हमारी टीम मैजिक क्रम में जाती है, बाकी टीम आएंगे कैब में अपनी गाड़ी लेके, स्कूटी में उतार रही है ताकि लोगों को दिखना जाए कि हम विक्रम से, गेट के सामने स्टैंडर्ड भी होता है, अभी गेट के सामने उतरेंगे ना, अबे गेट के सामने, डाउन टू अर्थ यार, डाउन टू अर्थ, बाय द वे हियर वी हैव अवर टीम मिस्टर त्रिलोक, मीनू, न्यू मेंबर अनीशा, दीज आर न्यू मेंबर, नए गए हैं दो ही, ये तो घर की बात है, और वो अप्पू घर की मुर्गी है यार ये, सॉरी मयंक एंड श्वेता, घर की मुर्गी। फाइनली वी हैव रीच्ड द डून बिजनेस स्कूल, एंड अभी हम यहाँ पे जाएंगे, 5:30 की टाइमिंग थी, पहली बार हम टाइम से आए, पता है पहली बार हम 5:20 में आए हैं, देखो 5 मिनट से हम पहुँच गए यहाँ पे, और डाउन टू अर्थ इतने मैजिक से आए हैं, और देख सकते हो अंदर हमें जा रहे हैं। तो फाइनली डीबीएस में हमने एंट्री ले ली, और फिलहाल हमें ग्रीन रूम मिल गया, मतलब
कॉलेज में ये होता है क्लासरूम को ग्रीन रूम बना देते हैं इवेंट के टाइम पे, बाकी वो अपने अभी फाइनल प्रैक्टिस कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडिया सोच रहे हैं। और प्रियांश और अमन अभी आए हैं वो स्कूटी में, जैसे कि अलग आ रहे थे तो उनको पहुंचने में टाइम लगेगा अभी, अभी हम लोग तैयार होना शुरू कर देंगे। और थैंक यू सो मच, बाकी अब हम तैयार होना शुरू कर देंगे। और इवेंट हमारा कितने बजे से इवेंट, 6:30 के आसपास से है अभी हमारे टाइम थोड़ा तैयार होने के लिए। तो DBS हम पहुँच चुके थे और तैयार तो हम हुए नहीं अभी, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने टाइम पास करने की सोची थी और फिलहाल यहाँ इवेंट चल रहे हैं, कॉलेज में फेस्ट चल रहे हैं, इसलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग चेस खेल रहे हैं। और मेरे साथ हैं चेस खेलने वाले आयुष भाई, आयुष भाई हमारा चेस का मैच चल रहा है बढ़िया। एक गेम हरा दिया इसने मुझे पहला वाला, लेकिन दूसरे में थोड़ा मेरा पड़ना भारी है। लेट्स सी। One eternity later. तो हो चुके हैं हम तैयार और ऐसा कुछ है मेरा लुक सेक्सी और ऐसा कुछ है मेरा लुक। और बाकी अगर मैं तुम्हें आयुष भाई का लुक दिखाऊं, आयुष भाई का कुछ ऐसा लुक है। बेसिकली जो हमारी थीम है वो आरजी जो मूवी आई थी शाहरुख खान की बेटी, जिसमें मुझे खाली इतना पता है उसके ऊपर है। तो उसमें 90s के रेट्रो लुक टाइप का था, तो वैसे ही मैंने कुछ किया है। नीचे मैंने बेल बॉटम पैंट पहनी, ऊपर से यही स्वेटर वाला फैशन था। और डिटेलिंग के लिए मैंने एक घड़ी रख ली है, जो 90s के टाइम पे लोग ऐसी वॉचेज रखते थे अपने पास, पॉकेट वॉच। बाकी सामने आयुष भाई का लुक भी कुछ ऐसा सही है, बेसिक सा लुक रखा है हमने। प्रियांश में गिटारिस्ट का कैरेक्टर था आरजी मूवी में, उससे थोड़ा रिलेट करके अपने रखा है लेदर जैकेट वाला लुक। और मेकअप शुरू हो चुका है यहाँ पे, श्वेता जी मेकअप कर रहे हैं यहाँ पे, तिलोक भाई अपना नंबर लगाए खड़े हैं, आयुष भाई का मेकअप हो रहा है। हैं? आपको भी कुछ नहीं लगा है? अब सुखाओ इसे, यार पंखा तो चला दो एटलीस्ट। धीरे धीरे करके सबका मेकअप होगा और देख सकते हैं आप श्वेता की ड्रेस कुछ ऐसी है। भाई लड़कियों की ड्रेस है कुछ बढ़िया, लड़के तो सब शर्ट पैंट पहन के आ गए हैं। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है शाम को घूमने जा रहा है 5 बजे। और लड़कियों की एड्रेस अबे सही में, अबे इसको देखने लग रहा है 5 बजे घूमने जा रहे हैं शाम को जनवरी में। हो चुके हैं हम लोग तैयार इवेंट में जाने के लिए, देख सकते हैं आप पीछे सब लोग बस तैयार है निकलने के लिए। अभी ये लास्ट में ये बतानी फोटोशूट ये सब चल रहा है इनका। और ये तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी है, बाकी हमें आज का हमारी भी टीम करती है। अरे हिंदी वाला फोटो अच्छी खींची गई है, अच्छी लग रही है, फोकस नहीं हो रहा है। अरे फोटो लगा दूंगा यार, पर इसमें फैशन मिस है, हमारे मेकअप किस लग रहा है। वैसे मेरी मैं वीडियो में आई ना, वैसे ही इसकी स्टोरेज फुल नहीं हुई है, कुछ और दिक्कत है। अच्छा लग रहा है, इधर से अच्छी आएगी लाइट लाइट। हाँ यार पूरा ऐसा करना पड़ता है। मैं अंकल लोग तो ऐसे लेते हैं, मेरे पापा तो ऐसे, अबे ऐसे आती है अंकल लोगों की। अंकल कह दिया मुझे, जो अभी परफॉर्मेंस हुई है ना बहुत बहुत तगड़ी लगी। हाँ जी है ना, परफॉर्मेंस कैसी थी अभी वाली? अभी की परफॉर्मेंस अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इन्होंने जो शक्ल लगा बूम बूम की पेंसिल और वो क्या बोलते हैं उड़ते तीर, मेरे को ऐसा लगा जैसे एक मैं वो सब टीवी में क्या आता था, एक बालवीर की परिया देखी मैंने भी बहुत ज़्यादा, और अच्छा था। गाने की चॉइसेस भी काफ़ी अच्छी थी इनकी, पर कोई बात नहीं, हम कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। वी आर द बेस्ट। अभी हमारा कॉम्पिटिशन हुआ नहीं है पर पेट पूजा चल रही है, हम गप्पे खाने आ चुके हैं, बड़ा ही टेस्टी हो रहा था गाइस, तो भूख भी लग रही थी। अब बताओ कैसा हो रहा था, बताओ? अच्छा। और ये रहे। हेलो, तो हमारी चल रही है फैशन शो था हमारा, इसके लिए हम आए थे, पीछे शुरू हो गया, वो स्टेज दिख रहा होगा तुम्हें, पर 7 परफॉर्मेंस चल रही है, हमारी 10th है और हम गोलगप्पे खा रहे हैं, हम गोलगप्पे खा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू अस, यस गाइस, ऑल द बेस्ट टू अस। उधर वाले उधर जा चुके हैं, ऑल द बेस्ट टू अस, होपफुली हम अच्छा देंगे। One eternity later. हो गया फाइनली हमारी कुछ तो हुआ है भाई, इतना चिल्ला रहे थे। उसके बाद यहाँ पे सब अपनी वॉक की वो देख रहे हैं कि किसकी वॉक कैसी रही, हमने वीडियो बनवा दी थी एक फ्रेंड से बोल के। और देख सकते हैं आप यहाँ पे सब हैं आफ्टर द पार्टिसिपेशन। और भाई यहाँ के लड़के जैसे लड़कियाँ इतना चिल्लाने लगे ना भाई साहब, एकदम ही क्या है, इवेंट्स तो होते रहते हैं। बोला खाएंगे हम, बोला मिल गया है।
इवेंट के बाद यहाँ पे फोटोशूट चलते हुए इवेंट हमारी हो चुकी है वर्क। वहाँ पे स्टेज लगा है हमारा, स्टेज में अब तीन चार परफॉर्मेंस बचे हैं। इधर है आयुष भाई और यहाँ पे सब अपना फोटोशूट कराते हुए देख सकते हो। पहली बार जीवन से ये वाला चेक मिला है भाई, ये तो कुछ तगड़ी चीज मिली है। हाँ सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है, हाँ सेकंड है, सेकंड है, थर्ड है, नहीं सेकंड है, सेकंड और फर्स्ट है। हाँ अब जीते हैं भाई, ये अवार्ड है गाइस। एक बार मेरा था 3000 का वॉलीबॉल में, आज पहली बार 5000 का इतना बड़ा चेक मिल रहा है। Yes! Yes! आज आपको पैसे मिल रहे हैं गाइस, असली चेक ले लिया, वो तो नकली चेक के साथ फोटो शूट करा रहे हैं। असली चेक मिल चुका है हमें, अब जाते हैं घर को, इसको संभाल लेता हूं। नींद कितनी आ रही है, मेरी आंखों में नीचे लाल हो गया है, लेकिन भाई ने मेहनत करी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, भाई ने मेहनत करी है, भाई ने विजुअल्स एडिट करे, भाई ने साउंड एडिट करी है, रात तक उठ के मैंने एडिट करा है, तब जाके हम जीते। भाई फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे थोड़े बहुत, पर तो चलता है, बीइंग अ लीडर इतना चलता है। हो चुका है इवेंट खत्म, पीछे था स्टेज और लाइट्स एंड ऑल बंद हो गए हैं। मयंक भाई आदत हो गई हमारी, अब आओ जीतो, घर जाते हैं, 5000 रुपए जीत के जाते हैं। इस बार पैसे आ गए 400, यार वो IMS वाले पैसे अभी तक नहीं आए, अब हम निकल रहे हैं, चेक लेके आ रहे हैं। और बात यह है कि यहाँ से सेला कुएं से देहरादून कैब करने की थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, पर यहाँ के जो लोकल बच्चे थे, डिसिप्लिन कम्युनिटी वाले थे, उन्होंने हमारे लिए कैब बुक करके दिया। क्यों, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। जी जी, नहीं तो अभी तक तो पसीने छूट गए थे यार, यहाँ हमें तो लेने के लिए आ रहे हैं हमारा ना जाटा का छोरा आ रहा है हमें लेने। अबे जाटी तो है वो, तो हमें लेने के श्वेता का दोस्त आ रहा है बेसिकली। तो चंडीगढ़ की छोरी मैं हरियाणा का जाट रे, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं जानी, पर क्योंकि 12 बच्चे थे, 4-5 लोग तो हम श्वेता के दोस्त के साथ जाते थे, तो बाकी बच्चों के लिए कैब हो गई है, तो कैब का इशू नहीं रहा और फिलहाल निकलते हैं। तो शो करके ऐसा लगा था लोग भाई आपको, बस ऐसा लग रहा है कि गंगा नहा लिया हमने। आपको शो करके कैसा लगा? दीदी के पीजी का दरवाजा बंद हो रहा है, मजा आया। आपको शो करके कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा, और मैं यहाँ दोबारा आना चाहती हूँ। MBA कर लेती, आपको शो करके कैसा लगा? मयंक सर, ओ आपको शो करके कैसा लगा? मेरे को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत 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 बढ़िया। आपको कैसा लगा मैम? बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन जो ये हम यहाँ वेट करा रहे हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। कार खरीद के लाना अगली बार से। मयंक आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया और अब जाके हम सेकंड आए हैं। अभी वी आर स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर शो दैट्स तुलास इंस्टीट्यूट, जो होगा 27-28 को। हां बाय द वे, बाय द वे यहां पे एक और शो होने वाला है इनका, इनका ओ मैम बताना चाहेंगी। हाँ, क्या था 14 27 या 28 को उन्होंने बोला कि यहाँ एक और शो होगा, उसमें भी वापस हम इनवाइट करेंगे, लेकिन यही मेंबर्स होंगे ये कंफर्म हो। हाँ, और उसकी शायद थीम अलग हो सकती है, वो उन्होंने कहा वो हमें बता देंगे, बाकी लेट्स होप फॉर द वेरी बेस्ट। फिलहाल तो इंतजार करते हैं आपका। तो इवेंट हमारा खत्म हो गया था, इवेंट खत्म होने के बाद अब हम आ गए हैं भोजन पानी करने, श्वेता का दोस्त हमें लेने आ गया था। सर आज हमें बहुत मजा आया और आज हमको 5000 रुपए इनाम मिले, और जगह तो हमें मिलते थे कैश प्राइज पर, वो हमारे पास ही पहुंचे थे। इस बार तो चेक मिल चुका है, तो काश पहुंच जाए, असली नकली दोनों चेक पहुंच जाएगा। सफर अपना अब यहाँ से सब अलग अलग, और अब हम पहुंच चुके हैं, अब घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सफर यहाँ तक था, बट अगली बार मजा आया शो करके, अगली बार दोबारा मिलते हैं। अभी गाय के एंड में दोबारा एक और शो हो रहा है, और बस ये लोग भी आ गए। बाय बाय, गुड नाइट। रोना आ रहा है गाइस, बाय बाय बोल दो, इसकी आंखों में देख सकते हो रोते रोते बुरा हाल हो गया है, नशा है इसकी आंखों में। बाय बाय, बैठो बड़ा मजा चीख लेके आ रखी भाई को। हेलो यार तुम, हेलो मिसेज चिकन बात है जी भाई,
बाकी पहुंच चुके हैं इवेंट से फाइनली घर को, अब हम जाएंगे सोने क्योंकि आराम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, थक गए थे, हेक्टिक चल रहा था थोड़ा बहुत। बाकी आज वाली इस वीडियो में रखते हैं और बहुत अच्छा लगा, हम सेकंड आए, हालांकि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई थी, बहुत गलतियां तो होती रहती है, पर ठीक है, और सब तो बेटर किया हमने। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।